हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज की अनुबंधित बस में तोड़फोड़। बांसवाड़ा से आबू रोड आ रही रोडवेज बस में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, जिससे बस के शीशे टूट गए। चालक को मामूली चोट पहुंची। चालक ने पूरे मामले की जानकारी रोडवेज प्रबंधक को दी। बांसवाड़ा से चलकर आबू रोड आने वाली आबू रोड आगार की अनुबंधित बस शाम को मानपुर पहुंची। बस में मौजूद सवारियों ने परिचालक को बस को बस स्टैंड ले जाने के लिए कहा। परिचालक ने भी चालक को बस स्टैंड ले जाने के लिए कहा। इस पर चालक बस को लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां कुछ लोगों ने बस पर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे बस के आगे का कांच, खिड़कियां, पीछे का ग्लास टूट गया। अचानक हुए हमले से यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। चालक और परिचालक ने मामले की गंभीरता के चलते आगार प्रबंधक को मामले की जानकारी दी। समाचार लिखे जाने तक मामले में पुलिस कार्यवाही नहीं की गई। घटना हुई है अपने बांसवाड़ा साइड से गाड़ी आई है, तो अपने स्टैंड में कुछ से पहले जस्ट अभी हुई है ये घटना। अनुबंधित गाड़ी थी 46-0 चार के नाम से, तो ये की गाड़ी में कुछ शीशे वीशे कुछ टूटे हुए हैं। मैंने अभी तक फ्लैग रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने पूछा था नीचे भी गया था उनको, स्ट्राइक का मामला है क्या मामला है, तो कुछ लोग बोल रहे थे साहब अगर स्ट्राइक वालों ने तोड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे साहब ये पीछे से अपने आज गणेश चतुर्थी जो गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर कुछ लोग बोल रहे सर वहाँ पर कोई धक्का मुक्की हो गई आपस में, तो उन्होंने भी आपस में चीज़ से तोड़ दिया है। मैंने ड्राइवर कंडक्टर को भी बुलाया है, उनसे जो फैक्ट रिपोर्ट ले जाते हैं फिर इसकी जाँच करवा। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।